1050 एडी की, तो दिल्ली में उसको मुसलमान नहीं होते थे, उस वक्त दिल्ली में मुसलमान नहीं थे, लखनऊ में वो इस्लाम का नाम नहीं जानता, बिहार के पटना में या मध्य प्रदेश में कोई इस्लाम से वाकिफ नहीं था। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जहाँ ना सिर्फ इस्लाम के जानने वाले मौजूद थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले मौजूद थे, इस्लाम की उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप मौजूद थी, बल्कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी आबादी, उसमें से आप देखें कि हम केरला जा रहे तो बहुत सुनते रहते हैं केरला में इस्लाम बहुत पहले आया, लेकिन हम ये नहीं सुनते कि गुजरात वाज अमंग द फर्स्ट प्लेसेस वेयर इस्लाम केम फर्स्ट। तो इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो वो इन्वेडर्स के थ्रू या फौजों के थ्रू नहीं है, और इस्लाम तो हिंदुस्तान में फैला वो भी फौजों के थ्रू नहीं फैला, मुस्लिम बादशाहों के थ्रू नहीं फैला। आप देखें कि एक केरला का एक बादशाह है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जब उसकी बात होती केरला के बारे में, तो एक चेरामन पेरामल एक बादशाह था जो मालाबार का बादशाह था, एक बहुत बड़ा केरला कहलाता है, और कहते हैं कि उसने शक्ल कमर का वाक़े के चांद जो दो टुकड़े में हुआ उसने देखा और वो चला गया अल्लाह रसूल के ज़माने में, और वो गया मुसलमान हो गया, वो कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये कि चेरामन पेरामल जो है वो 7th सेंचुरी के आखिर में या 8th सेंचुरी के शुरू में वो कन्वर्ट हुआ, वो गया अरब गया, फिर वहाँ उसका इंतकाल हो गया, उसके वहाँ से कुछ जो स्कॉलर्स थे मलिक दीदार दीनार थे उनके साथ तकरीबन 15-20 लोग थे उनको याद किया, और वो वहाँ पर उन्होंने उस बादशाह के लेटर्स दिए थे, और फिर उन लोगों ने जो है मस्जिद बनाई और इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैला। एक आप कहें कि इस्लाम जो है वो ऑर्गेनिक वे में फैला, खुद ही नेचुरल वे में, फोर्स नहीं हुआ। उसी ज़माने में देखिए एक हिस्ट्री हमारी ये रही है कि अरब जो थे वो पर्शियन जब कन्वर्ट हुए, क्योंकि उनके हिंदुस्तान से बिजनेस रिलेशन बहुत थे, इंडिया से फिर साउथ ईस्ट एशिया से चाइना से ये इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा थे इस्लाम के आने से पहले। तो जब इस्लाम आया तो जो अरब जो पहले आते थे उनके मतलब बिजनेस मैन जो मर्चेंट्स आते थे बड़े बड़े जहाज़ों में हिंदुस्तान आते थे, तो वो अब क्या हुआ, अब वो मर्चेंट जो है वो चूँकि वो मुस्लिम मर्चेंट हो गए, उस वक्त उनमें ज़ील बहुत ज़्यादा थी, उनका कैरेक्टर चेंज हो गया, उनकी आदतें चेंज हो गई, वो पहले से डिफरेंट लगने लगे, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो गया, उनकी लोगों से जो डीलिंग थी वो डिफरेंट हो गई, पहले वो चीज़ों के बारे में सही थी बताते बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अब चीज़ में अगर प्रोडक्ट में कोई कमी हुई तो बताते कि भाई एक प्रोडक्ट जो है इसमें कमी है। तो आदमी ने सोचा कि यार ये इनमें ओवरनाइट चेंज कैसे हो गया। तो एक ये आप देखिए पूरा जो हिंदुस्तान का जो हमारा खासतौर पर कोस्टल जो रीजन है, आवाज़ नहीं आ रही, तो हमारा कोस्टल रीजन है चाहे वो वेस्ट कोस्ट हो या ईस्ट कोस्ट हो, उसमें इस्लाम जो आया वो शुरू में हमारे उन्हीं ट्रेडर्स के थ्रू आया, और वो ट्रेडर्स मामूली ट्रेडर्स नहीं हुआ करते थे, वो रिसोर्स रिच हुआ करते थे। आप देखिए अभी भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो किसी कंट्री में जाती हैं तो पूरा उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है। तो आप देखो वो जमाने की जो 7th और 8th और 9th और 12th सेंचुरी तक की जो जो कार्गो सामानों की जो ट्रेड जो आया करते थे कारवांस आया करते थे खासतौर पर जो समुद्र के जरिए से, वो रिसोर्स रिच हुआ करते थे, जो चाहे वो गुजरात आए चाहे वो मालाबार आए चाहे वो कोरोमंडल कोस्ट पर जाए, तो सेम वही उनका वो होता था कि वो चूँकि बिकॉज दे वर एडिंग टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, बिकॉज दे वर एडिंग टू द रिसोर्सेज ऑफ द रीजन, द रेवेन्यू ऑफ द रूलर्स, तो हर आदमी उनको हर मान देता था। अभी भी आप देखें कि अभी जो गूगल का सीईओ कहीं चला जाए या टेस्ला का सीईओ चला जाए तो उसके लिए न्यूज़ बनती है, तो उस जमाने में वो एक न्यूज़ बना करती थी, उस जमाने में एक वेव क्रिएट करती थी। तो बहुत जो हिंदुस्तान में इस्लाम आया वो बेसिकली ट्रेडर्स के थ्रू आया, फिर सूफिया इकराम के थ्रू आया, सूफिया इकराम में बहुत पहले से आया लेकिन 10th सेंचुरी में आने लगे वहाँ। लेकिन खासतौर जिस एरिए में हम बैठे हुए हैं गुजरात का जो एरिया है ये तकरीबन यहाँ इस्लाम बहुत शुरू से आने लगा। 8th सेंचुरी में मसूदी एक बहुत मशहूर ट्रेवलर है और एक्सप्लोरर है,
उसकी किताब है, उसने उसने लिखा है कि जब मैं एक सेंचुरी में आया तो उसने देखा कि यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी बस्तियाँ थी जो खासतौर पर कोस्टल टाउन में, पास में 10,000 के करीब मुसलमान रहा करते थे उस जमाने, और उनका लोकल राजाओं के साथ जो लोकल जो बादशाह थे जो बनारस का जो किंगडम थी उनसे बहुत ही करीबी ताल्लुक थे। बस उन्होंने लिखा है खासतौर पर कि बनारस जो था ही वॉज द बेस्ट फॉर मुस्लिम, बहुत जबरदस्त, बहुत तारीफ की उसने। तो देखिए इस्लाम जो है, जो हमारी नोशन है कि इस्लाम फैला कैसे, नॉर्थ से मुसलमानों की आर्मीज आई, उन्होंने इन्वेड किया और जबरदस्ती मुसलमानों को लोग मुसलमान थे। तो ना तो ये कि एक आम वो है लोगों का परसेप्शन, हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं, बल्कि मेरी एक किताब आई है पीसफुल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इंडिया, ये इसी साल के शुरू में आई थी। तो हमारे बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो तुम गलत कह रहे हो, हमारी तो फौज आई थी, तुम तो मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हमारे यहाँ खुद भी लोगों को पता नहीं कि कैसे इस्लाम आया, कैसे फैला, पीसफुल अंदाज में कैसे एक्सपेंशन हुआ, और सारा जो क्रेडिट जाता है इस्लाम का हिंदुस्तान में उसकी फरोग को, उसके इंतकाल को, वो सारा जाता है बादशाहों को, जिससे उनका बहुत ही कम, उनका बहुत ही माइनस रोल अगर कोई रोल रहा हो तो रहा। मैं इतना डिसर्शन है इस्लाम स्पिरिट थ्रू फोर्स इज अ डिस्टॉर्शन एक्नॉलेज्ड इवन बाय वेस्टर्न एक्सपर्ट मुसलमान भी इसको सही करते हैं। सबसे अहम चीज ये है कि दो लोगों का, यानी दो ग्रुप्स ऑफ पीपल, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दे कंट्रीब्यूटेड इंटेंसली इन अराइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, और दोनों जो है वो ऑर्गेनिक अंदाज में हुआ, कोई फोर्स अंदाज में नहीं हुआ। फोर्स डिड नॉट प्ले इवन माइनस्यूल रोल इन स्पिरिट ऑफ एक्सपेंशन और स्पिरिट ऑफ इस्लाम इन द कंट्री। तो इस्लाम जो है, जब हमारे यहाँ बात होती है तो कहते हैं कि सबसे पहली जो मस्जिद जो हिंदुस्तान में बनी है वो चेयरमैन कार्लो की मस्जिद है केरला में। तो हो सकता है कि वो मस्जिद सबसे पुरानी हो, गुजरात में भी एक मस्जिद अभी रिसेंटली उसके बारे में पता चला और काफ़ी लोगों ने लिखा कि वो जो है उसका किबला जो है वो बैतुल मक़द्दस की तरफ था, यरूशलेम की तरफ था, क्योंकि वो पहला था। तो कहते हैं कि सबसे पहली जो मस्जिद है वो गुजरात में है, केरला में नहीं। हो सकता है वो गुजरात में हो, सकता है वो केरला में हो, लेकिन दोनों तरफ तकरीबन इस्लाम सेम पीरियड में आया, सेम 7th century में आना शुरू हुआ, और उसी जमाने में वो चाहे तमिलनाडु हो, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम कारवान जाते थे, कोंकण का एरिया हो, गुजरात का एरिया हो, वहाँ। लेकिन केरला में क्या हुआ कि केरला में वहाँ पर जो जमोरिन जो बादशाह था मारवाड़ का, उससे मुसलमानों के रिलेशन बहुत अच्छे थे। जमोरिन जो केरला का जो बादशाह था, जमोरिन एक बादशाह नहीं था, वो एक एक्चुअली क्या है, वो पूरी एक डायनेस्टी थी। तो उस डायनेस्टी में जितने बादशाह हुए उसको जमोरिन कहा जाता था। जैसे मुगल बादशाह के बारे में कहते हैं कि उनका नाम है शहनशाह या कुछ एम्पायर वगैरह, उसी तरह एक जमोरिन टाइटल था। तो शुरू से उनके मुसलमानों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छे थे। और दूसरा ये क्या कि चूंकि वो यूजफुल थे, जो मुसलमान जो आए वहाँ पर वो रेवेन्यू क्रिएट करते थे, उनके लिए इनकम जनरेट करते थे वो, चूंकि उस वक्त मुसलमानों का जो सी ट्रेड थी, उस सी ट्रेड में तकरीबन 8th century से लेकर 15th century तक, जब तक पोर्टुगीज नहीं आए उस वक्त तक वो मुसलमानों में से डोमिनेट थी, अरब मुसलमान नहीं, आई मीन अरब और पर्शियंस, और उसमें खासतौर पर यमन और हज़रमौत का के जो मुसलमान थे उनका बहुत बड़ा रोल था। तो जब वो आना शुरू हुए तो उसका एक तो पहला चेयरमैन पैरोमल का एक रोल रहा है कि चेयरमैन पैरोमल का कन्वर्जन जो है, बहुत से लोग कह रहे थे कि चेयरमैन पैरोमल जो है वो एक ऐसी कहानी है क्रिएट की, उसकी कोई सच्चाई नहीं है इस जमाने में। लेकिन जितनी भी पुरानी किताबें हैं, चाहे केरला पट्टी हो, केरला की पुरानी किताबें हों, चाहे मुसलमानों ने लिखी हों, पुर्तगीज ने लिखी हों, या उसको जो है क्या नाम है उसका तुख्त मुजाहिदीन, जो केरला की मुस्लिम हिस्ट्री की सबसे पहली किताब है, या केरला की हिस्ट्री की ओल्डेस्ट जो सर्वाइविंग बुक है वो 16th century की तुख्त मुजाहिदीन किताब है, उस किताब में तफसील से लिखा हुआ है चेयरमैन कैरमल के बारे में। वो कहते हैं कि चेयरमैन कैरमल जो है उसके बारे में जो कहानी है कि शक्ल कमर से कन्वर्ट हुआ, वो ऐसी कहानी शायद नहीं है 8th century में की।
बात है, वो 8th सेंचुरी में हुआ, फिर वो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मलिक बिन दीनार वगैरह आए, उन्होंने मस्जिद क्रिएट को यहाँ पर की, फिर तो एक तो ही चेयरमैन पैरोमल का, दूसरा जो ट्रेड रिलेशंस थे जो मुसलमान मुस्लिम ट्रेडर्स के और उनके हुए जो लोकल राजास थे, सेम जो रोल वो था उसके बारे में बाद में बात करेंगे कैसे गुजरात में भी तकरीबन सेम रोल जो था ट्रेडर्स का इस्लाम के स्पिरिट में और इस्लाम के एक्सेप्टेंस में रहा। तो बल्कि आप देखें कि केरला में खास तौर पर चीज जो है जो जो इस्लाम के स्पिरिट का जो कॉज बना वो म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो जो हमारी जो रूरल जो पॉपुलेशन थी उनका जो इनकम का जो जरिया था वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में रेवेन्यू जनरेशन का बहुत ही लिमिटेड वो था। अब उधर से जो आ रहा है जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो उनकी उनको जो टैक्स जो इम्पोज कर रहे हैं, जो उनकी इनकम हो रही है वो ज़बरदस्त इनकम थी, तो हर बादशाह चाहता है उसकी इनकम बढ़ी है, उसको क्या नाम है जो कोर्ट उनके पास रिसोर्सेज आता हो तो अपने कोर्ट को अच्छा तरीके से कर सकते हैं, उनकी माली हालत अच्छी होगी उनकी भी और उनके रायत भी जो है जो उनकी जो प्रजा है जो उनके सब्जेक्ट है उनकी माली हालत अच्छी। तो उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट में के लिए जो है वो केरला में खासतौर पर क्या क्या हुआ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। केरला में क्या हुआ, केरला जो बादशाह जमोरिन था हिंदुस्तान में शायद अकेला बादशाह था, उसने ऑर्डर किया इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कि जो शिप जो उनकी जो फिशिंग कम्युनिटी थी उस फिशिंग कम्युनिटी की हर फैमिली में से उन्होंने कहा कि एक एक आदमी को सम्मान होना चाहिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये जिस तरह जो ग्रोथ हो समोरिन जो था मुसलमान नहीं था, उसने अपने सब्जेक्ट क्योंकि वहाँ पर केरला की सोसाइटी थी वो कास्ट तो उसमें ऐसा कोई इंट्रैक्शन कम था, मुसलमान जो ताजिर आते थे जहाज से लेके तो सामान उतारने की जरूरत पड़ती थी, तो उनको ऐसे लोग चाहिए थे कि जो सामान उतार के ले जाए और वो अपर क्लास के लोगों में जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसमें उनके पास जा सके। तो उसने ऑर्डर दिया कि ये जो है पास लोग जो है कन्वर्ट हो जाए, उसकी इजाज़त दी और बहुत लोग कन्वर्ट हुए और उसकी वजह से भी एक कारण बड़ी। ये ऐसी चीज़ है जो मतलब ये हर जगह तकरीबन हर किताब में इसका तस्करा है, ऐसा नहीं कि कोई रिचर्ड पीटर ने लिखा है और फिर दूसरे लोग काफी लोगों ने इस बारे में उसी से लिखा है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से वहाँ कन्वर्जन हुआ। फिर दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज केरला की है कि हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर एक सल्तनत क्रिएट हुई हो पीसफुल अंदाज में। सल्तनत बनती है तो उसके लिए ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। केरला की एक अरकल सल्तनत थी, अरकल मुस्लिम सल्तनत थी, वो ऐसे क्रिएट हुई इट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ लव। एक बादशाह की बेटी को एक मुसलमान ताजर से शिकल इन लव, बादशाह ने अपनी बेटी को आराकल जो है कन्नौर में है कन्नौर सल्तनत जो था उसको वो सल्तनत जो थी वो दे दी और वो 18th सेंचुरी तक सर्वाइव की, 1000 साल तक। हिंदुस्तान की अकेली ऐसी सल्तनत है जो बादशाह ने खुद अपनी बेटी को तोहफे में दी और वो 1000 साल तक तकरीबन पहुंचाई है। तो अब केरला हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला, कैसे आप बताएं आप उसको, आज में हम जो जोड़ते हैं उसको कि नॉर्थ से साउथ में तो अलग बिल्कुल वो सिस्टम है। एक्चुअली ये बहुत डिटेल वो है क्या नाम जो पीपीटी है ये बहुत डिटेल है, अगर आप उसमें जाएंगे तो तकरीबन 2 घंटे की हो जाएंगे। तो जो बादशाह था जैसे यहाँ भी गुजरात में भी जो उस वक्त जो बिलहारा के जो किंग्स थे उसी तरह समोरिन जो था वो ही वाज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, तो उसने वहाँ मुसलमानों को आज़ादी दी क्योंकि मुसलमान जो थे वो रिसोर्स रिच लोग थे, बड़े बड़े बड़ा बिजनेस था उनका, तो उनको जितनी फैसिलिटी हो सकती है वो दी उन्होंने। और दूसरे मुसलमानों ने उनको भी सपोर्ट किया, एक तो कई जगहों पर जमोरिन के साथ रही लेकिन बाद में जो उनकी जमोरिन जो बादशाह थे उनकी जो नेवी थी वो पूरा उसका जितने पूरी नेवी के इंचार्ज मुसलमान थे। और हिंदुस्तान में जो जो पुर्तगीज से जो लड़ाई हुई है पुर्तगीज के खिलाफ हिंदुस्तान में जो जहां जंग हुई नेवल वार हुई उसमें तकरीबन 100 साल तक
केरला के मुसलमानों ने ही उसको लीड किया था। तो उसमें तकरीबन बल्कि बॉम्बे का जो एक नेवल बेस है वो उसका नाम उसी के नाम पर था, और एक बहुत बड़ा जहाज था वो भी उसी के नाम से था। क्या नाम था? तो केरला में भी आप देखें कि जो कन्वर्जन हुआ, चूंकि फोर्स तो थी नहीं वहां पर, फोर्स का कोई रोल नहीं था, मुसलमान जो थे वहां पर क्या थे, ताजिर थे। तो केरला में फोर्स का कोई कन्वर्जन में फोर्स का कोई रोल था, कोई रोल नहीं। और वहां आप देखिए तकरीबन 20% जो है, 25% आबादी जो है मुसलमान है, कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हिंदुस्तान में देखें कि पहली जगह केरला ऐसी है जहां पर एक सल्तनत जो है प्लेटर को उठा के इबादत ने दे दी, और 100 साल तकरीबन 1000 साल तक मुसलमान की। तो अरकल बीवी और वो जो वहां का जो अरकल की सल्तनत है उनके यहाँ ट्रेडिशन है। और फिर उनका नाम है उसका बात उसकी क्या नाम है टीपू सुल्तान के बारे में आप बात करेंगे तो उनका टीपू सुल्तान के साथ बातें बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। टीपू सुल्तान की नाली में उनका बहुत बड़ा रोल था अरकल की सल्तनत का। इसके बारे में बात कर चुके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तमिलनाडु में भी जो सेम जो वो है क्या नाम जो पैटर्न केरला में है वो सेम पैटर्न तमिलनाडु में था। तमिलनाडु में भी जो इस्लाम आया वो सिर्फ ताजुन के जरिए से आया, और फिर 10th century से वहाँ पर जो है वो मुसलमान जो सूफिया के नाम आने लगे, और सूफिया के नाम का जो इम्प्रेशन था उसकी वजह से दो चीज़ें, एक तो क्या, एक तो इकोनॉमिक वो इंटरेस्ट था, दूसरे इन्होंने जो दिखाया सूफिया के नाम ने नॉर्थ से लेकर साउथ तक उनका जो रोल रहा है उसमें इम्पोर्टेंस ये है कि उन्होंने इस्लाम की तरफ किसी को कहा नहीं कि तो मुसलमान हो जाओ। सूफिया के नाम को लोग कहते हैं कि सूफिया के कन्वर्ट कैसे थे, सूफिया का नेवर वर्ड फॉर कन्वर्शन। उन्होंने एक ऐसा जैसे ये हॉल है उसकी जो खानकाह थी उस खानकाह में अगर 2000 लोग हैं सब एक उसी तरह रहेंगे, जो सूफी हैं वो खुद भी उसी तरह रहेंगे जैसे आम लोग रहेंगे। तो आम लोगों को जो हमारे यहाँ मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, जो छोटे और बड़े का एक वो था, वो देखते कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है, सब एक साथ बैठे हैं, एक तरह का खाना खा रहे हैं, सेम कपड़े पहनते हैं, जो वो सफर कर रहा है वो ये सफर कर रहे हैं, तो उनको ये अजीब सा लगता। तो नेचुरली जो था वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो। पंजाब से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटका गुजरात आप देखिए सब में जो हुआ है वो कॉमन जो एक चीज है जो दिखती है वो ये कि लोगों ने देखा कि कैसे इनके इक्वलिटी है, कैसे इनके यहाँ बराबरी है, सामाजिक बराबरी बराबरी है इनके यहाँ। जो खासतौर पर सूफिया कराम के साथ जो था, तो सूफिया कराम के साथ इन्फ्लुएंस इसीलिए होते थे कि भाई वो क्या एक तो माइनॉरिटी थे, उनके मोर्चे हुआ करते थे कि मोर्चा देखा उन्होंने और फौरन मुसलमान हो गए, कोई आदमी आया उसको सहतियाब हो गया तो मुसलमान, वो तो अभी भी होता है। ए आर रहमान के खानदान जो कन्वर्ट हुआ वो उनके घर वाले क्या कोई बीमार था, वो एक वीर साहब के आ गए तमिलनाडु में, वो सही हो गया, बच गई उसकी जान, कन्वर्ट हो गए। तो ये कन्वर्जन का जो है ये भी शुरू से रहा है, माइलेटिल्स हो, इक्वालिटी हो, और उनकी कंपैशन और लोगों से कंपैशन, लोगों के लिए उनकी जो क्या नाम है उनके दिल में दर्द था, यानी उन्होंने किसी भी सूफिया हमारे बिल्कुल साफ होने चाहिए, सूफिया इकराम ने कन्वर्जन के लिए कभी काम नहीं किया। ऐसा नहीं वो कहे कि भाई हो गया तुम कन्वर्ट हो जाओ एक्स वाई जेड तुम कन्वर्ट, कभी नहीं था कन्वर्जन। ये जो था ये एक ऑर्गेनिक, उन्होंने उसको देखा और देख के उनको लगा कि भाई ये तो चीज अपना नहीं की है, जो आदमी इतना बढ़िया हो सकता है उसकी तो हर चीज बढ़िया है भाई, आपको किसी से प्यार हो जाए तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है आदमी को, उसकी बुराई भी अच्छी लगती है। तो उनको दे फेल इन लव विद दो सूफीज, और वो उनके अंदर से ये वो हुआ कि भाई इनकी चीजों को इनके खिलाफ इनके किरदार को कबूल करना चाहिए। तमिलनाडु की बात एक खास चीज ये है तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में जो पहला अटैक था मुसलमानों का जो अलाउद्दीन खिलजी ने तकरीबन 1290s में किया, उससे 100 साल पहले पांडियन किंग का जो ये मदुरई का जो बादशाह था मदुरई तमिलनाडु में पांडियन किंग, उस 12th सेंचुरी के शुरू में वहां का पांडियन किंग का जो वजीर था मुसलमान था,
टेंथ सेंचुरी में गोवा में और कोंकण में कई मुसलमान जो थे वो गवर्नर्स थे, कोई वहां पर कभी कोई आदमी तो नहीं आई 14th century, 13th century के लास्ट में, और 14th century के आखिर में जो है अलाउद्दीन खिलजी के फिर मोहम्मद तुगलक के जमाने में आर्मीज पहुंची। लेकिन उससे 300 साल पहले, तकरीबन 350 साल पहले गवर्नर मुसलमान थे वहां पर, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान थे, उनके उनके अहदेदार मुसलमान थे। तो ये कहां से पहुंचा भाई ये? तो ये जो है ये हमारे जो एक तो जो मेक बिलीव वो जो है कि ये एक नोशन नॉर्थ से आए, फोर्सिबल आए, फोर्स वो हुआ, मजबूर किया कि ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ। फिर जो सेम जो था ये देखें महाराष्ट्र और गोवा में भी जो जो आया है इस्लाम, वो खासतौर पर क्योंकि जितने कोस्टल रीजन है उसमें एक चीज जो कांस्टेंट है, यकसा है और सेम है, वो यही कि वो जो मुसलमान दो चार आते थे उन्हीं का इन्फ्लुएंस था। फिर बाद में सूफिया कराम भी जो आए तो उसके इन्फ्लुएंस से, तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। एक ने आपको जो है एक शो किया कि भाई हम एक प्रॉस्पेरिटी का कि आपको एक नवेद सुनाते हैं कि आप हमारे साथ आएंगे तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। फिर दूसरे ये कि उनके साथ ट्रेडिशन हुए और उनके साथ जो उनका नाम उनके जो काम वो शुरू से ताल्लुक हुए उनको देखा कि भाई तो डिफरेंट लोग हैं, इनका किरदार डिफरेंट है, इनका किरदार जो कैरेक्टर अलग है। फिर दूसरा कि एक आपको इमोशनल सपोर्ट दिया, एक गाइडेंस दिया आपको सूफिया इकराम ने, तो ये कॉम्बिनेशन था ना, वो बड़ा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन था। और इसके आप देखें कि तमिलनाडु में भी, गुजरात में भी आप देखें कि गुजरात में भी जो इस्लाम आया वो उसमें एक तो शुरू से वो आए गुजरात आ गए थे, दूसरे क्या हिंदुस्तान खासतौर गुजरात में जो मुस्लिम सूफिया इकराम की हिस्ट्री है सिद्धराज जयसिंघा उसके बारे में सुन्नी सूफिया जो है वो भी कहते हैं कि वो हमारे हाथों सम्मान हुआ था। खोजा इस्माइली वो कहते हैं वो हमारे हाथ में, बोरा कहते हैं वो भी हमारे हाथ में सम्मान हुआ, ये कन्फर्म नहीं हुआ सम्मान हुआ या नहीं हुआ, बट ही वॉज अ वेरी गुड किंग। और वहाँ पर उसने ना सिर्फ ये मसाजिद बनाने की इजाजत दी थी बल्कि यहाँ पर उसने क्या किया कि जो मुस्लिम आबादियाँ थी यहाँ पर खासतौर पर जो कोस्टल रीजन में, उसमें गवर्नर भी उन्हीं के अंदर से बनाता था, उसको हजमत कहा जाता था, अरबिक वर्ड है उसका हमें पता नहीं उसकी मीनिंग क्या थी, लेकिन हजमत जो था वो लोकल गवर्नर थे उस पर टर्म में इस्तेमाल किया था। तो वो सारे उनके इंटरनल जो इशूज थे वो आईने कवानीन वो चीज़ें वो उनके अपने कवानीन के मुताबिक होती थी। एक बार ये कहानी है सिद्धराजा के बारे में कि वो एक मस्जिद को जो है वो डेमोलिश कर दे, किसी ने जला दिया, तो बादशाह खुद जो है वो अपना भेस बदल के गया चेक करने के लिए क्या हुआ मस्जिद को, उसने दोबारा रिबिल्ड किया उसको। तो हिंदुस्तान में जो जो तारीख है हमारी जो हमने पढ़ी है और जो रियल तारीख है वो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। पर जो दूसरा आप देखें कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है नॉर्थ में, नॉर्थ वाले में आप देखिए हजरत शेख फलुद्दीन गंज शकर 1300 से 1700 जिनका पैदाइश में हुआ है उनका मज़ार है तकरीबन 10th century में, उस्मान अल हुजबेरी जो थे, या फिर आप देखें कि पंजाब में सदर जहाँ का जो रोल है शेख सदर जहाँ का, कश्मीर में जो कन्वर्जन हुआ कश्मीर में कोई मुसलमान फौज कभी नहीं गई, कश्मीर में मुसलमान फौज नहीं गई, कहते हैं कश्मीर में तो बड़ा होता है कि कन्वर्जन ऐसे हुआ। कश्मीर में भी बादशाह जो था रिंचन शाह बादशाह था वो बुद्धिस्ट था, उसका तकरीबन बीच में 5 साल उसकी हुकूमत रही। रिंचन शाह जो है वो बुलबुल शाह के हाथ में वो थे सूफी थे उनके हाथ कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर इस्लाम की तरह तकरीबन 200 साल के बाद भी कन्वर्जन वहाँ भी ऐसा नहीं कि फोर्स कन्वर्जन था बादशाह मुसलमान हुआ पूरी जनता मुसलमान, ऐसा नहीं हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर ए पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वो है वो तकरीबन नहीं हुआ। ये 1330s में मुसलमान हुआ था रिंचन शाह जो वहाँ कश्मीर का बादशाह। तो पूरे हिंदुस्तान में जो इस्लाम का जो एक्सपेंशन है इस्लाम क्या की जो
डेवलपमेंट है, मुसलमानों की आमद है, वो हमारे जो अटैकर्स आए, जो इन्वेडर्स आए, जो मुसलमान फौजें आए उनसे जोड़ दिया जाता है। बल्कि मैं बताऊँ सच्चाई ऐसी भी है कि कई बार ऐसा हुआ कि जो मुसलमान बादशाह थे उन्होंने ये नहीं चाहा कि कन्वर्जन हो, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, मैं अभी तस्वीर में नहीं आऊँगा उसमें, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से उन्होंने ये चाहा कि कन्वर्जन ना हो, मतलब उनकी इनकम कम हो जाए। तो सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में अगर जो रोल रहा है कन्वर्जन का, दीन के फैलने का, लोगों के मुसलमान होने का, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सूफिया कराम का है। कोस्टल रीजन में जो रोल है वो हमारे ट्रेडर्स का है, और जो आम लोगों का एहतराम, उनका किरदार, उनकी शख्सियतें थी उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। तो जो हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो सच्चाई है, वो दोनों जो एक उसमें बहुत बहुत फर्क है। मेरी अभी किताब आई तस्करा किया पीसफुल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, उसमें तकरीबन 450 पेज की किताब है, उसमें केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल में भी इसका इस्लाम आया, कश्मीर, इन सब के बारे में 8 जगहों के बारे में उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं और तफसील से उसमें इसका तस्करा है कैसे आया। तो हमें एक्चुअली क्या है, जो सही तारीख है उससे हमारा आश्रम बहुत जरूरी है। हम जानते नहीं तारीख सच्चाई क्या है। एक तो कि हमारे यहाँ से जो हमारी किताबें हैं उनसे तारीख को निकाला जा रहा है, खासतौर पर जो मेडिकल पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको इरेज किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो तारीख को समझने की कोशिश करें, तारीख को पढ़ने की कोशिश करें, अपनी तारीख को लोगों तक बताने, सही अंदाज में बताने की कोशिश करें। तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत, तारीख को आप फरामोश कर देंगे तो दुनिया आपको भुला देगी। तो जो भी कौमें जो है अपने अपनी तारीख को भूल जाती हैं, अपने हेरिटेज को भूल जाती हैं। बल्कि आप जाएँ, अगर यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आम जो बच्चे हैं, यूथ हमारे, वो हमारी मस्जिदों को देखने जाएँ, अहमदाबाद की जो अजीमुशान मस्जिदें हैं, सल्तनत पीरियड की मस्जिदें हैं, तो वो रिलेट नहीं कर सकते अपने आप को, अपने आप को उसे रिलेट नहीं कर सकते। तो जब तक डिस्कनेक्ट है आप, उस डिस्कनेक्ट को जब तक हम लोग दूर नहीं करेंगे तब तक ये कमी दूर नहीं हो सकती। तो तारीख की अहमियत जिन लोगों ने समझी है वो लोग ऊपर जाते हैं, जो तारीख को भुला देते हैं तारीख उनको भुला देती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। चलिए खुदा हाफिज। अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आगे सर आप में ऐसे कोई साथी आए, थोड़ा सा तारुफ भी आ जाए तो हम लोग अच्छा रहे, और सवाल भी होता है पहले सवाल आ जाए फिर तारुफ का कुछ होगा। जी जितेंद्र भाई हमारे दोस्त हैं, हेरिटेज वॉक के साथी हैं जितेंद्र भाई, वो भी हैं प्रोफेसर, अजमेरी साहब है ये हिस्ट्री के प्रोफेसर है। जी बोले क्वेश्चन हो। अभी जो आपने सिद्धराजा का बताया वो कौन सा पट पट बटन का बटन का बोला, तो वो ये पीरियड कौन सा है जब मस्जिदें थी उस टाइम? वो तो तकरीबन 11th century। तो जब मोहम्मद घोरी आए थे तब उस टाइम का, उस टाइम ही उसने नहीं नहीं एक्चुअली क्या मोहम्मद घोरी जो पटन नहीं आए नहीं, उनका उनको जो शहीद किया गया था वो पटन के पास ही किया गया था। किसको? मोहम्मद घोरी को। बल्कि लोग कहते हैं कि जो सोमनाथ में जब जो कहते हैं कि जब जो मंदिर को तोड़ा उसके बाद उससे पहले मुसलमान आबादी थी, उसके बाद मुसलमान आबादी थी। सिद्धराज जैसी के टाइम पे मुस्लिम आबादी पट्टन में थी, पट्टन में नहीं थी, खंबात में थी। खंबात नहीं नहीं पट्टन में भी थी, थी पट्टन में भी थी। वो तफसील से बहुत इस वाले में जो है मुसलमानों की मस्जिद मदरसे दाऊदी मोरा के तो ये कंफर्म मदरसे नहीं किया है दोनों, और अब हिस्टोरियन ने किया है। देखिए क्या है, हिस्ट्री जो है ना, जो हिस्टोरियोग्राफी है, हाँ ये बहुत आप इब्राहिम मालवी बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, इब्राहिम मालवी ने लिखा है कि हमारे यहाँ जो राइटिंग का होता है इंडिया में पैटर्न हमारे यहाँ, वो ये कहता है कि हम कहानियाँ लिखते थे, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी जो है वो कहानियों की किताबें लिखी। हिस्ट्री को हमारे डॉक्यूमेंट करने का वो नहीं था।
आप देखें हिंदू राजा जो थे यहाँ पर, उन्होंने कभी हिंदी अपनी डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन जो बादशाह मुसलमान आए, मतलब ये आप जो महमूद गौर आया, महमूद महमूद गौरी जो आया, वो भी उसके साथ अपने हिस्टोरियन थे, कोर्ट हिस्टोरियंस, लेकिन पूरे इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री में आपको कोर्ट हिस्टोरियंस का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। आप देखें कि ये जो है बीजापुर का जो बादशाह वो बहुत बड़ा बादशाह नहीं था, अच्छा ठीक था, उसने कासिम फरिश्ता को उसने रखा किसी ने हिस्टोरी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। अब बाबर जो है वो जमाने में खुद लिखता था, हुमायूं ने अपनी तारीख खुद लिखी है, हुमायूं नामा जो है बाबर नामा आप देखें, तो पूरा एक उनका एक ऑफिस होता था, बड़ा इंपीरियल ऑफिस जो था उसी के लिए होता था कि हिस्ट्री को उनके अपने राइटर्स होते थे, उसमें उसको कैलीग्राफर्स होते थे, उनके बाइंडर्स होते थे, कॉपी करने वाले होते थे। तो ये जो हिंदुस्तान में हिस्टोरियोग्राफी आप देखें कि उसकी इब्तदा मुसलमानों ने, मतलब जो रिटन हिस्ट्री है, ओरल हिस्ट्री तो थी बहुत पहले से मौजूद, उसमें किसी को दो राय नहीं है, फिर जो खासतौर पर जो एक जो जो कहानियों की जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी, रामायण महाभारत, वो भी सोर्स है हमारे, लेकिन जो तारीख जो लिखी गई वो आप देखें कि हिंदुस्तान में या तो ट्रेवलर्स आए पहले से, चाइनीज ट्रेवलर्स आए उन्होंने लिखा, मुसलमान ट्रेवलर्स आए, फिर मसूदी जो है वो 8th सेंचुरी में 9th सेंचुरी में हिंदुस्तान आया उसने लिखा, तो ये सब मेन सोर्सेस हैं। एक है फॉरवर्डेड मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया,
एक जो तीसरा एक्सप्रेशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया है, एक नमाज रोल इंडिया से मूवमेंट है, और अभी गुजरात सल्तनत के ऊपर भी एक किताब का काम चल रहा है, वो भी आएगी। बल्कि मेरा ये था कि एक हिंदुस्तान की जितनी मुस्लिम डायनेस्टीज, डिजिटल डायनेस्टीज है ना, जैसे मुजफ्फरशाही डायनेस्टी, गुजरात सल्तनत, उसके ऊपर आ जाए, जो जौनपुर की शाही सल्तनत है उसके ऊपर आ जाए, तो उस पर काम चल रहा है कई किताबों के ऊपर, वो इंशाल्लाह आएंगे ड्यू कोर्स। आपको कोर्स बता दीजिए, यार लोगों को पता नहीं है। मैं हिस्ट्री के ऊपर कोर्सेज भी कई चलाता हूँ, वो तो भाई यूनिवर्सिटी पे भी चलते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मैंने डिवाइस किया कोर्स इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर, और काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट है उसके बारे में, लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ भी जो है कई लोग हैं जो हमारे कोर्स में आते हैं, वो खुद पढ़ रहे हैं या उनके कोई जान पहचान वाले उसमें पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो एक इंटरेस्ट मैं ही चाहता हूँ कि हिस्ट्री में जो है हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट को कैसे रिक्रिएट किया जाए, तो किताबें एक जरिया है, ये कोर्सेज एक जरिए। एक अच्छी चीज़ ये है कि उसमें पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आ रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि बच्चे आएंगे और मतलब जो हिस्ट्री लवर्स हैं वो आएंगे, पर्शियन के चगताई टर्किश के भी का एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस वो हमारे कोर्स में पढ़ रहा है, MIT का प्रोफेसर वो पढ़ रहा है हमारे साथ, DU का प्रोफेसर है, पूरी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, तो अच्छा एक इंटरेस्ट अलहमदुल्ला क्रिएट हो रहा है। बाद लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग दे रहे हैं बस, लेडीज वो हमारा कोर्स करने की ताकि अपने बच्चों को कैसे बताएं हिस्ट्री, तो छोटी मोटी एफर्ट है, कोई बहुत खास चीज नहीं थी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले ओवेस तो सरस वाला का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये प्रोग्राम अरेंज करने में बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि उनकी वजह से ये आज मुकम्मल हो पाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर किया। और अब सर आपने भी टाइम निकाला अपने मशरूफ शेड्यूल में से और आए और एक आध घंटा दो घंटा लोगों से बातचीत किया। ये इस प्रोग्राम को अरेंज करने का मकसद ये है कि किताबें तो बहुत अवेलेबल हैं और हर कोई इंसान जो किताब पढ़ेगा वो उसके अंदर अपने थॉट से ही समझेगा उस चीज़ को, लेकिन एक्सपर्ट्स को अगर सुनते हैं जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने रिसर्च किया है उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जानोगे और फिर आप नहीं कोई किताब पढ़ोगे तो आपका जहन चेंज होगा और इन्फॉर्मेशन जो पहले थी अब है आपके पास, उसमें आपको देखोगे कि फ़र्क पड़ा है और समझ में भी फ़र्क पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे और प्रोग्राम्स इंशाल्लाह करेंगे बहुत जल्दी, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग चीज़ों पे, तो रब्ता रखेंगे इंशाल्लाह और आएंगे अगले प्रोग्राम में।